स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 12.13 एंड इट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो अभी हमने जो डिस्कस किया हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड देन हम स्टडी करने लगे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब हमने ऐसा क्यों किया कि चले एक काम हो रहा था, अगर हम टाइनी ऑर्गेनिजम्स को यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ईजिली देख पा रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमने ऐसा क्यों किया कि एक और माइक्रोस्कोप बना दी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे कहा जाता है। तो इसकी बेसिक वजह ये है कि समटाइम ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट है हमने जो जिसको जिसका इमेज हमें मैग्नीफाई करवाना है, बड़ा करवाना है, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि उनके लिए हमें थोड़ा बड़ा इमेज चाहिए होता है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर ऑब्जेक्ट इतना था, हम जो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस था, ठीक है, तो हमारा इमेज इतना बन गया, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही सिर्फ इतना सा है, ठीक है, तो हमारा इमेज कितना बनेगा, सिर्फ इतना सा बन जाएगा, ठीक है। एनलार्ज तो होगा लेकिन कितना, इतना, और वो भी क्या होगा कि हमारे लिए इतना क्लियर नहीं होगा कि हम उसको इजीली देख सकें, उसके ऊपर स्टडी कर सकें, उसके तमाम करेक्टरिस्टिक्स को देख सकें अपनी आय से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होगा, इसका एक बहुत बड़ा इमेज, ठीक है। अब इतने से या इससे भी छोटे ऑब्जेक्ट का अगर हमें इतना बड़ा इमेज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप तो वहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ इस हद तक बढ़ा सकती है, ठीक है। उसके लिए हमने एक और अदर माइक्रोस्कोप यूज की विच इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि हम एक की बजाय दो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस था, इसमें हम क्या करेंगे, दो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस ही हमारा कहाँ आ जाता है, सिर्फ यहीं पे कि हम दो कन्वेक्स लेंस इसमें यूज करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास कन्वेक्स लेंस किस तरह से बिहेव करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है। अब हम इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें कौन से पार्ट्स में ये दो लेंसेज फिट हुए होते हैं, ठीक है। सो जिस तरह हमने माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा उसमें एक ही जगह पे फिट हुआ होता है और वो हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये लेंसेज दो जगह, दो डिफरेंट जगह पे फिट हुए होते हैं, और वो कौन सी जगह है, एक हमारा कन्वेक्स लेंस यूज होता है एट आईपीस, ठीक है। आईपीस कौन सा पीस है, जो हमारी आंख के बिल्कुल सामने पड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड वाला जो हमारा कन्वेक्स लेंस यूज होता है, सो फर्स्ट कन्वेक्स लेंस हमारा आईपीस पे यूज हो गया, सेकेंड कन्वेक्स लेंस हमारा कहाँ यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पीस भी इसको कहा जाता है एंड ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी जो डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की उसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इजीली आइडिया हो जाए कि कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है, कहाँ पे हमारा आईपीस है, हम किस तरह से जो इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। सो अब हम इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। सो इस तरह से हमारे पास ये माइक्रोस्कोप बनी होती है, ठीक है। एंड ये बहुत क्लियर और अच्छी इमेज तो नहीं है बट आपको समझ आ जाएगी इसी से। एंड इस तरह से बनी होती है हमारी माइक्रोस्कोप एंड इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इस तरह से होती है कुछ, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, अगर आप कभी आईसाइट चेक करवाने जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये जो है आपको नज़र आएगी, वहाँ पे आपके डिफरेंट चीज़ों के लिए ये यूज़ होती है, ठीक है। करते क्या हैं कि यहाँ से जब हम आई से देख सकते हैं, इस पीस को कहते हैं दैट इज़ आई पीस, ठीक है।
अब आपको पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो मेन मेजर पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, एक हमारा आई पीस है एंड एक ऑब्जेक्टिव पीस है जहाँ पे हमारे कन्वेक्स लेंस यूज हुए हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि मेजर पार्ट कौन से हैं और उसमें किस तरह से हमारा यूज हो रहा है कन्वेक्स लेंस का. ठीक है, एक हमारा ये हो गया आई पीस एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पीस. ऑब्जेक्टिव पीस, अब ऑब्जेक्टिव पीस में क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंस प्रेजेंट होते हैं. लाइक इस तरह से अगर आप एक सर्कल लें उसके ऊपर एक ये पॉइंट लगा दें, एक ये पॉइंट लगा दें एंड एक ये, आपने थ्री डिफरेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पे रख दी हैं, या आप कोई डिफरेंट जो है विड्थ की या लेंथ की इस तरह से लकड़ी की छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना के आपने यहाँ पे लगा दिए, एक छोटी है एक बारीक है एक पतली है. अब आप जब इसको मूव करवाएंगे, इसको गोल घुमा दें, ठीक है, इस डिस्क को गोल घुमाना शुरू कर दें, तो क्या होगा, आपके पास कभी ये वाली स्ट्रिप सामने आएगी, कभी ये आएगी, कभी ये आएगी. तो इसी तरह से हमने क्या किया है, ये जो ऑब्जेक्टिव पीस है ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, एंड इसके रोटेट करने से इस तरह के थ्री डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस लगे होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंसेज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनका क्या काम होता है, यहाँ पे पड़े ऑब्जेक्ट पे हमें देखना होता है कि कहाँ पे इस पे कौन सा लेंस सूटेबल है. ठीक है, कोई ऐसा होता है कि आपने एक रखा उसके ऊपर हमें सूटेबल इमेज नहीं मिल रहा था तो हम उसको रोटेट करके अगले वाले पे ले आएंगे, उससे नहीं मिल रहा उसे नेक्स्ट वाले पे ले आएंगे. सो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस है वो रोटेटेबल होता है. ठीक है, उसमें थ्री डिफरेंट टाइप के लेंसेज हमारे पास डिफरेंट फोकल लेंथ के प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें एक क्लियर इमेज मिल सकता है. ठीक है, एक क्लियर एंड मैग्नीफाइड इमेज मिल सकता है. ये आई पीस जो है ये एज इट इज रहता है. ठीक है, लेकिन ये इन की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं. क्यों करवा सकते हैं, ताकि हम अपने फोकस पॉइंट को एडजस्ट कर सकें एंड उसी के मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट को रखें एंड एक क्लियर इमेज ले सकें. ठीक है, सो अब इस तमाम काम में हमारे पास होता क्या है बेसिकली, कि किस तरह से हमारे दोनों लेंस वर्क करेंगे. अब हम उसकी वर्किंग पे आ जाते हैं. ठीक है, सो पहले थे कि हमारा कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है, एक लेंस कहाँ यूज़ होता है, आई पीस पे, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव पीस पे. अब ये लेंस वर्क किस तरह कर रहे हैं हम उसको डीपली स्टडी करते हैं. ठीक है, सो एक हमारा ये पड़ा हुआ है. ठीक है, हमने कहा कि जो आई ऑब्जेक्टिव पीस में है लेंस उसकी फोकल लेंथ कम है. ठीक है, फोकल लेंथ क्यों कम है, क्योंकि हमने देखे वो तो रोटेटेबल है और उसको हम लोगों ने मूव करवाना है, वो छोटे छोटे फोकल लेंथ के होंगे तो हम उसको इजीली मूव करवा सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या लेना है, एक छोटी फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस लेना है. सो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बन जाता है कि इसके कंस्ट्रक्शन में, इधर हम लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस हैज शॉर्ट फोकल लेंथ. ठीक है, एंड कितनी शॉर्ट, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 सेंटीमीटर. ठीक है, सो क्या होगा, फोकल लेंथ का क्या मतलब होता है कि फोकस पॉइंट करीब ही है. ठीक है, सो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ. ठीक है, सो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ क्या है, कम है. कितना कम है, 1 सेंटीमीटर से भी कम इसका हमने फोकल लेंथ रखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, अब जो नेक्स्ट हमने लेना है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव पीस. अब ऑब्जेक्टिव आई पीस लेंस हैज लार्जर फोकल लेंथ. ठीक है, इसकी फोकल लेंथ लार्जर होती है, और कितनी लार्ज, अ फ्यू सेंटीमीटर. ठीक है, अ फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ होती है, यानी कि ये हमारे पास साइज में भी बड़ा होगा. ठीक है, एंड इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी. ठीक है, सो ये हमारी फोकल लेंथ है. अब आप देखें कि इसकी फोकल लेंथ कम है एंड इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है. सो हमारे पास ये दो पॉइंट जो है मेजर पॉइंट्स बन गए कंस्ट्रक्शन के लिए, कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए जबकि आई पीस की फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए. एंड अब
क्या होगा, हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक पर्पस क्या है कि ये हायर मैग्निफिकेशन देता है, हायर मैग्निफिकेशन एज कंपेयर टू द सिंगल लेंस. ठीक है, सिंगल लेंस की निस्बत ये हमें हायर मैग्निफिकेशन देता है, यानी एक छोटे से ऑब्जेक्ट को जो कि इतना सा भी है उसका भी हमें इनलार्ज करके इमेज दिखा देता है, जिसको हम क्लियरली स्टडी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. ठीक है, अब हम अपनी वर्किंग पे आ जाते हैं कि लेंस किस तरह से काम करें. हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है लेट सपोज, ठीक है, इतना ऑब्जेक्ट है, हमें क्या चाहिए, हमें इसका बड़ा इमेज चाहिए. सो बड़ा इमेज किस तरह बन सकता है, हमने जो अपने डिफरेंट केसेस पढ़े हुए हैं कि हम किस पॉइंट पे इसके ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारे पास इनलार्ज इमेज आना चाहिए. सो पहले का हमारे पास था कि अगर हम बियॉन्ड 2f रखते हैं, ठीक है, तब हमारे पास क्या इमेज बनते हैं, स्मॉलर इमेज बनते हैं. ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से एक पॉइंट होता है f, ठीक है, सेकेंड पॉइंट फोकस का डबल ले लें तो 2f. सो अगर 2f से भी कहीं परे हमने रखा है तो हमारे पास स्मॉलर इमेज बनेगा. अगर हमने एट 2f रखा है तो इक्वल इन साइज बनेगा. ठीक है, अगर हमने 2f एंड f के दरमियान अपना ऑब्जेक्ट रख दिया है तो हमारे पास किस तरह का इमेज बनेगा, इन्वर्टेड प्लस लार्ज. ठीक है, सो हमें कौन सा चाहिए, यही वाला चाहिए. ठीक है, कि हमें लार्ज इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपने 2f और f के दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस करवा देंगे. ठीक है, इस तरह से, सही. अब इसने क्या करना है, अब इसकी रिफ्रेक्शन होनी है. ठीक है, इस तरह से, देन फोकस पॉइंट में से पास करेगी. ठीक है, लाइन अगेन जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो अनडेविएटेड फॉर्म में पास आउट हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इमेज. तो देखें, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना था, छोटा सा. अब एक लेंस सिर्फ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास से इमेज इतना सा बन रहा है, जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम उसको अच्छी तरह देख सकें, वो हमारे नेकेड आई के लिए बिल्कुल क्लियर हो. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, हमने अगला लेंस यूज़ किया. अगला लेंस कौन सा है, ये जो आई पीस में. ठीक है, अब आई पीस में किस तरह से हमें चाहिए, हमें आई पीस में बहुत बड़ा जो है इमेज चाहिए. अब आई पीस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्यों एडजस्ट कर सकते हैं, देखें अब हमारे पास ये केस भी हो गया कि अगर हम 2f और f के दरमियान रखते हैं तो हमारे पास इमेज लार्ज बनता है. इससे भी अगर हमें लार्ज बनाना है बाय यूजिंग दिस लेंस, तब हमें कौन सा केस स्टडी करना पड़ेगा, देखें कि अगर हम एट f ले जाते हैं तो हमारा इमेज बनता ही नहीं है, यानी हम कह देते हैं इन्फिनिटी पे कहीं जाके बनेगा. लेकिन अगर हम बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड प्रिंसिपल फोकस के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, यानी किस तरह होना चाहिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है एंड ये कहीं हमारा था फोकस पॉइंट. ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो अब क्या होगा, अब जो हमारा इमेज बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो लार्ज होगा, बल्कि इनलार्ज होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा. ठीक है, प्लस वो वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा. ठीक है, यानी सीधा होगा. अब क्या होगा, यहाँ से जो लाइट रे पास करी है वो इस इमेज पे आई. ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये ऑब्जेक्ट था और ये इसका इमेज बन रहा था. ठीक है, ये क्या बन रहा है, हमारा इमेज. अब ये वाला इमेज दूसरे लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा. ठीक है, अब ये किसके तौर पे काम करे, ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे. अब यहाँ से ये जो लाइट रे आई यहाँ से पास करेगी, ठीक है, एंड ये क्या करेगी, फोकस में से पास आउट कर जाएगी. ठीक है, सेकेंड लाइन आई जो कि कहीं ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी थी इस तरह से. ठीक है, अब देखें हमारी आई है यहाँ पे, लेट सपोज इस तरह से बनती है आई. ठीक है, अब देखें आई पे अगर हम सिर्फ यहाँ पे देखें तो हमें क्या कोई इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं. क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन मीट ही नहीं कर रही. तो हम क्या करेंगे, अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दें इस तरह से, ये यहाँ कहीं आके मीट करेंगे एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा. तो देखिए सिर्फ ऑब्जेक्ट इतना सा था एंड इमेज कितना बड़ा बन चुका है.
सो हमने देख लिया कि किस तरह एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा इमेज हमें मिलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करके. ठीक है, अब हम इसके मैग्निफिकेशन पावर की तरफ आते हैं. तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए. ठीक है, सो अब देखें जिस तरह वहाँ पे हमारे पास नियर पॉइंट था एंड हमारे पास फोकल लेंथ थी, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी कोई ना कोई डिस्टेंस बन रहा है जहाँ पे इमेज बनता है, फिर हमारी कोई लेंथ होती है, कोई फोकल लेंथ होती हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ स्टडी करते हैं. ठीक है, सो पहली बात है ये हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिसको हम ए बी का नाम भी दे सकते हैं. ठीक है, कि ये ए से बी तक इसकी हाइट है. सॉरी, अब चूंकि ये हम लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसके दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, उसके फोकस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ठीक है प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास बन रहे थे ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ठीक है, ये फोकस पॉइंट थे और ये किसके फोकस पॉइंट थे, ऑब्जेक्टिव के. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ नोट. ठीक है, अब ये फोकस पॉइंट एंड ये फोकस पॉइंट हमारा किसका है, हमारे आई पीस लेंस का. सो एफ ई एंड एफ ई से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, अब जो ये हमारी फोकल लेंथ बन रही है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान, ये क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. ठीक है, सो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो फोकल लेंथ बन रही है वो क्या होती है, एफ ई से हम उसको डिनोट करते हैं. ठीक है, या आप इसको इस साइड पे भी बना सकते हैं क्योंकि ये भी हमारी फोकल लेंथ ही है. ठीक है, देन हमारी ये पोर्शन जो है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक का, ये क्या कहलाते हैं, ये डिस्टेंस हमारा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको हम एफ नोट से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब जो हमारी लेंथ होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस से आई पीस तक के लेंस को, सॉरी यहाँ पे आई पीस आएगा. सो ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय एल. अब जो हमारा आई से लेके इस इमेज तक का डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली डी. ठीक है, हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ये डी क्या था, नियरेस्ट पॉइंट जहाँ पे हमारा इमेज बन सकता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा. लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वो भी हमारा डी तब 25 सेंटीमीटर था जब हम जस्ट अपनी नेकेड आई से देख रहे थे, अपनी जाहिरी आंख से देख रहे थे. जब हम लेंस को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा नियर पॉइंट चेंज हो सकता है. ठीक है, इसी तरह अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो हम ये डी किस पे डिपेंड करे कि आई से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, जो फाइनल इमेज यहाँ पे आपकी आंख के ऊपर बन रहा है. ठीक है, जब आपने इन लाइन को बैकवर्ड मीट करवाया तो तब जो इमेज बनेगा उसका जो डिस्टेंस होगा आई से, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी. ठीक है, वे लेंथ किससे रिप्रेजेंट की जाती है, एल से, और लेंथ है क्या, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान का डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला. मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो कि आपकी बुक में डायरेक्ट गिवन है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा. एंड ये क्या है, एफ इक्वल्स टू एल ओवर एफ नॉट. ठीक है, वन प्लस डी ओवर एफ ई. ठीक है, अब अगर याद रखने के लिए आप क्या करें कि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या जो थी मैग्निफिकेशन पावर आई थी, एम इक्वल्स टू वन प्लस डी ओवर एफ. ठीक है, उसमें हम एक ही लेंस यूज़ कर रहे थे जो कि हमारा आई पीस था. ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ नहीं हो रहा था, इसका मतलब है वहाँ पे जो हमारी फोकल लेंथ थी वो एक आई पीस की थी. ठीक है, हमने उसी को लेते हुए उसके साथ क्या किया, जस्ट एल ओवर एफ नोट लगा दिया है, वेयर एल इज़ द लेंथ बिटवीन द आई पीस. ठीक है, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान, एंड एफ नोट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, एंड देन हमारे पास डी क्या आ जाता है, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड द इमेज, फाइनल इमेज जो कि आपकी आई पे अपेयर हो रहा है इनलार्ज होके, एंड एफ ई क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. सो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो ये तो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, जस्ट उसके साथ कौन सी एडिशन होगी, ये एल ओवर एफ नोट की. ठीक है,
सो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि वो किस तरह से उसके अंदर वर्किंग चल रही है एंड मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारी बहुत सारी जगहों पे यूज हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को भी बहुत इनलार्ज करके दिखा सकती है एंड हम इसकी स्टडी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं. लाइक जो हम बॉटनी में देखें, बॉटनी में इसका बहुत ज़्यादा यूज है. क्यों यूज है कि आपको समटाइम लीव के अंदर आप लीव को देखते हैं, ठीक है, लीव आपको इस तरह से नज़र आ रहा है. अब आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता और आप उसको इंटरनल स्ट्रक्चर को देख भी नहीं सकते जब तक आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं रखेंगे. सो आप जब रखेंगे आपको इसके ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसके बिहाफ पे आपको पता चलेगा कि इस लीव का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं. तो हमारी बॉटनी के फील्ड में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. इसी तरह जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब आपने जीन्स की स्टडी करनी होती है कि जीन्स किस तरह के हैं, डीएनए वगैरह के फर्दर आ जाती है. और ये तमाम चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में. और जेनेटिक्स में भी क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, उनके ऊपर वर्किंग करनी होती है, तो हम उन छोटी चीज़ों को बहुत क्लियरली अगर नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चल सकेगा कि इसमें क्या क्या फिनोमिनाज हो रहे हैं. सो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. एंड देन जियोलॉजी में एंड हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी है यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जो बेस कर रही है उसके लिए भी हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. एंड इवन अब तो लैब्स वगैरह में भी सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होना शुरू हो गया है क्योंकि वो क्या करती है, आप जस्ट उसकी एडजस्टमेंट करते हैं. और एडजस्टमेंट क्यों की जाती है, ताकि आप ये सेट कर सकें कि इस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान होना चाहिए, इस टाइम पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके दरमियान होना चाहिए. सो उनको सेट करने के लिए एडजस्टमेंट करके आपको एक बहुत क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज मिल जाता है. सो हर जगह जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि ये एक हमें बहुत इनलार्ज और क्लियर इमेज दिखा सकती है, इवन अगर वो छोटे से छोटा पार्टिकल भी होगा तब भी. सो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप.